आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। राजस्थान के नागौर में दो दलित लड़कों को बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नागौर में दो दलित लड़कों को बुरी तरह पीटा गया था, जिसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ लोग दोनों दलित लड़कों के बुरी तरह से पीटते दिखाई दिए। दोनों दलित लड़कों पर पैसे चुराने का आरोप लगा, उन्हें पीटा गया। दलित लड़कों की पिटाई के मामले पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा तो राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नागौर जा रहे हैं। 7 एक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके हैं अब तक, और इसमें हर संभव जो कार्रवाई है ये इंश्योर करने के लिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो पूरी गंभीरता से हम इस मामले को ले रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान के नागौर में दो दलित लड़कों को बेरहमी से पीटने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी इस मामले पर खूब हंगामा हुआ। आरोप है कि 500 रुपए चोरी करने के शक में कुछ लोगों ने दो दलित लड़कों को बुरी तरह पीटा, और तब तक पीटा जब तक वो बेहोश होकर नीचे नहीं गिर गए। नागौर में एक दिन पहले हुई इस घटना के वीडियो ने तो दिल दहला दिया। दावा है कि आरोपियों को हंटर जैसी चीज से पीटा गया, पेचकस से टॉर्चर किया गया, और तो और उन्हें पेट्रोल पिलाने की भी कोशिश की गई। जो वीडियो में मारपीट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं उनको दस्तयाब किया गया है, FIR दर्ज की गई है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागौर में एक दिन पहले हुई इस घटना की गूंज जयपुर तक सुनाई दी। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दलित लड़कों से हुई मारपीट पर दुख जताया और गहलोत सरकार से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन विपक्ष ने कांग्रेस पर कार्रवाई का ढोंग करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने तो राजस्थान में दलितों पर जुल्म बढ़ने का दावा कर दिया, जबकि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने तो बजट के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बजट का बहिष्कार किया। इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन के अंदर बजट पढ़ रहे हैं और लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं, तीनों विधायक सदन से इस वक्त बाहर आ चुके हैं और हाथ के अंदर पोस्टर हैं। जिस तरह से अमानवीय घटना हुई, हृदय विदारक जो घटना थी उसको लेके हम विरोध स्वरूप यहाँ धरने पे बैठे हैं। बीजेपी ने भी नागौर की घटना पर गहलोत सरकार को जमकर कोसा। नागौर की घटना ये शो करती है कि राजस्थान में जो कांग्रेस का चेहरा है वो दलित विरोधी है। पिछले एक साल में 50% दलित विरोधी घटनाएं राजस्थान में बढ़ी है। मामले ने सियासी तूल पकड़ा तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरफ से भी सफाई दी गई। जैसे ही पुलिस को प्रशासन को पता चला, हाथों हाथ FIR दर्ज हुई और संगीन धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई, 5 जनों को अरेस्ट भी कर दिया। कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं नागौर की इस घटना पर राजस्थान कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने तो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए ये लिख दिया कि वो गहलोत सरकार से पिछले 12 महीनों में दलितों पर हुए जुल्म पर रिपोर्ट मांगे। हालांकि हरीश मीणा ने कुछ देर बाद अपने इस ट्वीट को हटा भी लिया। यही नहीं, इसके बाद हरीश मीणा को मनाने के लिए गहलोत सरकार ने उनका नाम उस कमेटी में डाल दिया जो नागौर घटना की जांच करेगी। गुवाहाटी की अदालत ने देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। शर्जील इमाम को जांच के लिए गुवाहाटी ले जाया गया था। शर्जील पर नागरिकता कानून के खिलाफ चल रही एक रैली में विवादास्पद बयान देने का आरोप है, जिसके बाद उस पर असम के साथ साथ दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी केस दर्ज किया गया था। अब पुलिस शर्जील इमाम को लेकर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां मौजूद ABVP के कार्यकर्ताओं ने शर्जील के खिलाफ नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त मध्यस्थों ने शाहीन बाग का हल ढूंढने की दूसरे दिन भी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शन को दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी प्रस्ताव रखा, जिस पर कई लोगों ने असहमति जता दी। हंगामा तो इस बात पर भी खूब हुआ कि वार्ताकार मीडिया के सामने बातचीत क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर सहमति दी कि उन्हें बातचीत के दौरान मीडिया के रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। अब वार्ताकारों के सामने ही ये बात उठी तो साधना रामचंद्रन ने भी इसकी वजह बता दी। यही नहीं, उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में मीडिया को वहां से चले जाने के लिए भी कह दिया। मीडिया
बातचीत मीडिया के सामने हो या नहीं, इस पर प्रदर्शनकारियों की राय बटी नजर आई। हालांकि वार्ताकारों की अपील पर मीडिया खुद वहां से हट गया। जो मध्यस्थ है उनकी तरफ से कहा गया कि मीडिया के सामने बात नहीं होगी, तब तक वो नहीं आएंगे। कल की तरह स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया को हटाने से पहले शाहीन बाग में वार्ताकारों का भाषण भी हुआ। इस दौरान दोनों ने यह साफ कर दिया कि वो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, जिस पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से नाराजगी जताई गई। शाहीन बाग बरकरार रहेगा, ये हम बार बार आपको बताना चाहते हैं। अब ये सवाल भी उठा कि वार्ताकारों ने सीएए पर बात करने से इनकार क्यों कर दिया। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि वार्ताकार बंद सड़क को खुलवाने का रास्ता खोजेंगे, जिसके बारे में साधना रामचंद्रन ने लोगों को मंच से बताया। आपको ये समझना होगा कि वो जो आपके एनआरसी के मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं, उसके बारे में आज हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सुना जाएगा। वार्ताकार संजय हेगड़े ने तो प्रदर्शन को दूसरी जगह पर ले जाने पर भी सवाल पूछा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जवाब में साफ ना कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ये ही कह रही है कि प्रोटेस्ट का जो आपका हक है वो बरकरार रहे, प्रोटेस्ट की स्थल या स्थान ऐसी हो जहां दूसरों को तकलीफ ना हो। प्रदर्शनकारियों की असहमति के बाद साधना रामचंद्रन ने इशारों में उन्हें काफी कुछ समझाने की कोशिश की। पूरी कोशिश के बाद अगर बात नहीं बनती तो केस वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर और कोई हमारे पास चारा नहीं रहेगा, फिर सरकार जो करना चाहेगी उसको करना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मध्यस्थों की दूसरे दिन की कोशिश के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने दलील दी कि अगर नोएडा की तरफ जाने वाला महामाया फ्लाईओवर खोल दिया जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। ये महामाया यहाँ पे हो रही है, वो खुल सकती है जिससे यहाँ का बहुत ट्रैफिक फ्लो उधर चला जाता है, सुपर ओवर रोल है उसी तरह की ट्रैफिक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त मध्यस्थों ने शाहीन बाग से निकलने के बाद खुद उन सड़कों की जानकारी ली जिनके बारे में प्रदर्शनकारियों ने बताया। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि महामाया फ्लाईओवर की तरफ जो सड़क जा रही है वो उसको खोल दिया जाए तो ये समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि महामाया फ्लाईओवर कालिंदी कुंज वाले रास्ते से ही मिलता है। अब कालिंदी कुंज का रास्ता बंद है तो सरिता विहार से आने वाली गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। प्रदर्शनकारियों ने बदरपुर से कालिंदी कुंज जाने वाली एक कच्ची सड़क के बारे में भी बताया। ये सड़क बदरपुर से आ रही नहर के साथ निकलती है और ये इतनी संकरी है कि वहां से दो ट्रक भी एक साथ नहीं निकल सकते। मतलब घूम फिर कर बात कालिंदी कुंज में जो बंद सड़क है उसी पर आती दिख रही है, जहां दो महीने से बैठे प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक वहां से उठने से इनकार कर दिया है। हालांकि वार्ताकारों के पास अब भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सोमवार तक का वक्त है। यूपी के औरैया में एक आदमी ने पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगाया और अपनी बात पुलिस तक पहुंचाने के लिए अनूठा रास्ता अपनाया। इस आदमी का अपने पड़ोसी से किसी बात पर विवाद हो गया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की, जिससे नाराज वो आदमी हाथों में एक कनस्तर लेकर चौराहे पर पहुंचा और एक डंडे से कनस्तर पीट कर प्रदर्शन करने लगा। कनस्तर के साथ प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और उस आदमी के घर जाकर कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे इस आदमी को पुलिस ने पहले भगा दिया था। भोपाल में आईपीएस अधिकारियों से भरी एक नाव के झील में पलटने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। नाव में आईपीएस अधिकारियों के अलावा उनके घर वाले भी मौजूद थे, जो आईपीएस ऑफिसर्स कॉन्क्लेव के आखिरी दिन नावों की रेस में हिस्सा ले रहे थे। तभी तेजी से आगे बढ़ रही उनकी नाव झील में पलट गई। अच्छी बात यह रही कि नाव में बैठे सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी, इसलिए वो पानी में डूबे नहीं। झील में पहले से ही एसडीआरएफ के जवान भी मौजूद थे, जो तुरंत घटना वाली जगह पर पहुंचे और सभी लोगों को एक कर सुरक्षित बाहर निकाला।
सभी आईपीएस अधिकारियों और उनके घरवालों को पानी से निकालने के बाद किनारे पर लाया गया। सभी ने लाइफ जैकेट्स बांधी हुई थी और अच्छे से जो जिस तरीके से पहननी चाहिए उस तरीके से पहनी हुई थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक बड़ा हादसा टलने पर सभी ने खुशी जताई और कुछ देर रुकने के बाद दोबारा नावों की रेस शुरू करवाई गई। यूपी के बिजनौर में दो कारों की आपस में टक्कर हो गई। बताया गया कि तेज रफ्तार दो कारें आपस में टकरा गई, जिसके बाद एक कार में आग लग गई। जिस कार में आग लगी उसमें झुलसकर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि हादसे में चार लोग घायल हो गए जिनकी हालत गंभीर है। तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली मेट्रो की सेवा प्रभावित न हो, इसके लिए डीएमआरसी मेट्रो कॉरिडोर पर अत्याधुनिक उपकरण लगाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीएमआरसी ने तीन मेट्रो कॉरिडोर रेड, येलो और ब्लू लाइन पर बिजली सप्लाई करने वाले सिस्टम में बदलाव का फैसला लिया है। इन तीनों कॉरिडोर पर ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगेंगे जिससे बिजली सप्लाई करने वाले सिस्टम में खराबी आने पर भी कॉरिडोर के बड़े हिस्से में बिजली बंद नहीं होगी। सिस्टम में बदलाव के बाद सिर्फ एक या दो स्टेशनों के बीच ही मेट्रो सेवा पर असर पड़ेगा। बताया गया कि डीएमआरसी इन तीनों मेट्रो कॉरिडोर पर अत्याधुनिक उपकरण लगाने के लिए करीब 34 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हालांकि मेट्रो कॉरिडोर में किस तरह के उपकरण लगाए जाएंगे इसकी जानकारी डीएमआरसी ने नहीं दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रैफिक नियमों से लोगों को जागरूक करने के लिए एक लड़के ने सड़क पर शीर्षासन किया। इस लड़के ने हेलमेट पहनकर सिर जमीन पर रखा और पैर ऊपर की तरफ कर दिए। इन लोगों ने इसके लिए युवा ट्रैफिक पुलिस फोर्स बनाई है जो लोगों को जागरूक कर रही है। ब्राजील के सियेरा में प्रदर्शन कर रहे पुलिस वालों को हटाने पहुंचे एक सांसद पर फायरिंग हो गई। वहां वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे पुलिस वालों ने एक हाईवे को बंद कर दिया था, जिसके बाद वहां के सांसद अपने समर्थकों के साथ इन पुलिस वालों को हटाने के लिए पहुंचे। इस दौरान वो वहां खड़ी एक खुदाई करने वाली मशीन पर सवार हो गए और बैरिकेड को गिराने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उन पर फायरिंग होने लगी। सांसद पर एक के बाद एक कई गोलियां दागी गई। गोलियां चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान बुरी तरह घायल सांसद किसी तरह नीचे उतरे, जिसके बाद उनको एक कार से अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले सांसद और उनके साथ आए लोगों की प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से झड़प भी हुई। कुछ लोगों ने बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े पुलिस वालों पर पथराव भी किया, जिसके बाद वहां हिंसा शुरू हो गई। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।